अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉरेटरी की जानिब से। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वकास समी। आज का टॉपिक है फेशियल रिजुविनेशन और मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगी, इनको वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, आप तो लोगों की स्किन इतनी खूबसूरत बना रहे हैं, जवान, फिर से दोबारा जवान स्किन को कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बताएं कि ये एक सवाल मेरे पास आया है कि फेस लिफ्ट है क्या चीज़? फेस लिफ्ट एक सर्जिकल प्रोसीजर जो कि कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर की कैटेगरी में आता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको अर्ली साइंस ऑफ एजिंग हो या ऐसे पेशेंट जिनके स्किन बहुत ज़्यादा लैक्स हो, हैंगिंग हो और वो इसकी करेक्शन चाहते हो, तो उन पेशेंट्स के अंदर एक सर्जिकल एक प्रोसीजर होता है। तो वी डू दैट इन दोज पेशेंट्स ताकि उनकी जो सैगिंग और जो फोल्ड्स की जो प्रोमिनेंस है, जो लाइन्स और रिंकल्स हैं, उनको बेहतर किया जा सके, ताकि जो उनके जो कंसर्न्स हैं, खुद को एस्थेटिक जो कंसर्न्स हैं, जो वो चाहते हैं कि उनकी स्किन या उनकी खूबसूरती पहले जैसी हो जाए, तो उसको हम इस प्रोसीजर के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं ये प्रोसीजर क्या एक एज के इस एज से स्टार्ट होगा या अब तो मैं 16 साल की बच्चियां जो टीनएजर हैं बच्चियां उनकी स्किन का भी यही हाल देख रही हूँ? क्योंकि जिस तरह के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें, मेकअप की बात करें तो वो भी आप देख लें और उसके साथ अगर वो जो 4-6 क्रीम मिला के हमें गोरा भी तो होना है वो वाली क्रीम्स देखें, उसके बाद आप देखें कि टीनएज की जो लड़कियाँ हैं उनकी स्किन तो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे 40 साल की औरतें होती हैं। इसमें फेस लिफ्ट बहुत ज़्यादा अर्ली एज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। फेस लिफ्ट उन पेशेंट्स के लिए है जो कि एक सिग्निफिकेंट अपना टाइम गुजार चुके हैं, अर्ली 40s या 50s के अंदर हैं और उनका लैक्सिसिटी स्किन की सिग्निफिकेंट है और फोल्ड्स काफ़ी प्रोमिनेंट है या नेक की स्किन उनकी काफ़ी लैक्स हो चुकी है और यहाँ पर बैंड्स काफ़ी ज़्यादा विजिबल हैं। सो दोज पेशेंट्स आर आइडियल फॉर सर्जिकल फेस लिफ्ट। जो कि यंग एज का हमारा पेशेंट है जो कि 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का है, आमतौर पे उन पेशेंट्स को एक क्लासिक या फेसलिफ्ट जो होता है उसकी नीड नहीं होती। उनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि मिनिमली इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं। अगर उनको अपने कोई रिंकल्स हैं, कोई लाइंस हैं या कोई फोल्ड्स हैं या एक्सेसिव फैट डिपोजिशन किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो हम उन पेशेंट्स के अंदर वो प्रोसीजर्स को कर सकते हैं। फेसलिफ्ट जो क्लासिक फेसलिफ्ट है वो खासा एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जो कि रिजर्व है उन पेशेंट्स के लिए जो कि उसके सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करते हैं और इट्स नॉट फॉर एवरीवन। अच्छा, फेस लिफ्ट का ये जो ट्रीटमेंट है आपकी, ये कितनी सिटिंग इसमें होती हैं या एक ही बार आप ट्रीटमेंट लें तो बस फिर नॉर्मली इसमें ऐसा होता है कि दोज पेशेंट्स हु वांट इम्प्रूवमेंट इन देयर एस्थेटिक्स, फेशियल एस्थेटिक्स, दे कम टू अस फॉर इवेल्युएशन कि विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर देम, विल वर्क फॉर देम। तो एक कंसल्टेशन हमारी होती है टू डिस्कस द ऑप्शंस, द आउटकम्स एंड व्हाट एग्जैक्टली पेशेंट इज आस्किंग फॉर। वंस वी आर डन विद द कंसल्टेशन देन वी गेट सम लैब इन्वेस्टिगेशन डन जो कि बहुत मामूली सी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। देन वी गेट द पेशेंट इनरोल फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर। ये प्रोसीजर आमतौर पर एक दिन में हो जाता है, कुछ घंटों पर मुहित होता है, उससे पहले फिटनेस वगैरह ये सारे मामले हो चुके होते हैं। और इस सर्जरी के नेक्स्ट डे आमतौर पर पेशेंट, या अगर हमने सुबह की है तो शाम को पेशेंट घर वापस जा सकता है। तो ओवरऑल आमतौर पर सर्जरी के दिन तक हमारी दो मुलाकात होती हैं और सर्जरी के बाद फिर कुछ हफ्तों तक पेशेंट हमारे फॉलोअप के अंदर रहता है। अच्छा। जब तक सूचर्स आउट होते हैं, ब्रूजिंग थोड़ी सबसाइड होती है, पेशेंट की कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो विद इन अ वीक पेशेंट इज ऑफ फ्रॉम आवर साइड। फिर हम कुछ महीनों बाद के जो फॉलोअप्स हैं उनको डिज़ाइन करते हैं ताकि मरीज हमारे फॉलोअप में रहे और अल्टीमेट आउटकम जो है जब सारी स्वेलिंग खत्म हो जाए, एडिमा खत्म हो जाए, ब्रूजिंग खत्म हो जाए, तो वी गेट द फाइनल रिजल्ट आफ्टर सेवरल वीक्स। पर जब ये सर्जरी होती है उसके बाद मतलब अगर मुझ जैसी कोई है वर्किंग लेडी जिसे आउटडोर भी जाना है, धूप में भी काम करना है, उसने उठ के दूसरे दिन मेकअप भी इतना ज़्यादा करना है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं फिर जिससे आपको 7 वीक्स, 4 वीक्स जो भी है, क्या ट्रीटमेंट के बाद की क्या जो है वो प्रोसीजर होता है? ट्रीटमेंट के बाद बाय द टाइम जब तक आपके सूचर्स लगे हुए हैं उस वक्त यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल कि उनकी हीलिंग हो जाए, देन यू कैन अप्लाई आफ्टर 4-5 डेज, 7 डेज आप हर किस्म का मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी फेस की जो टेक केयर की जो रेजिमेन है उसका आप फॉलो कर सकते हैं, कोई सीरम है, कोई क्रीम्स हैं, कोई सोप्स हैं, कोई मेकअप है, यू कैन अप्लाई ऑल ऑफ देम। ये बस जो भी प्रॉब्लम है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल
वो इनिशियल डेज का होता है, 2-4-5 रोज के लिए, अदरवाइज इट इज एज गुड एज इट वॉज बिफोर. अच्छा, इस सर्जरी के बाद कितना परसेंट रिजल्ट आता है? इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर. अगर पेशेंट के साइंस ऑफ एजिंग है, स्किन में सिग्निफिकेंट लैक्सिसिटी है, और पेशेंट एक आइडियल कैंडिडेट है या कैंडिडेट है इस प्रोसीजर के लिए, तो प्रोसीजर बहुत रिवॉर्डिंग है. इट कैन रिवर्स योर एजिंग बाय अप टू 10 ईयर्स परसेप्चुअली. जैसा आप दिखते थे 10 साल पहले, तो इट कैन ब्रिंग दोज एस्थेटिक्स ऑफ योर फेस बैक. क्या बात है. तो फिर ये एक्सपेंसिव भी होगा? यस इट इज, बट इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव. और हमारे पेशेंट्स, मतलब खुश करने के बाद दुख भी तो है कि एक्सपेंसिव. नहीं, खुशी तो अनमोल है. खुशी तो देखिए, खवातीन खुश हो गई कि 10 साल पहले जैसी हो जाऊंगी. तो इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट इट इज स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसीजर है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क टू जब पेशेंट के जो रिजल्ट्स उनको अचीव करने में. इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव बट नॉट बहुत ज्यादा नहीं, पर इंशाल्लाह आप अफोर्ड कर लेंगे. इतना तो हाँ. अच्छा, ये फिलर और बोटॉक्स आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, बल्कि बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा भी है. तो ये क्या काम करता है? फिलर्स की अगर हम बात करें, बोटॉक्स की हम बात करें, तो ये क्या काम करता है हमारे स्किन पे? थोड़ा सा ये दोनों चीजें अलग करके हमें बता दें, ताकि हमें पता चल जाए. ओके, अच्छा, फिलर्स और बोटॉक्स ये दो अलग सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, बट इनका काम दोनों का एक है फेशियल रिजुविनेशन के लिए. okay. जो आपके पास अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है आपके फेस के अंदर, वो साइंस के बनने के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक तो सन डैमेज होता है, फोटो एजिंग जिसको भी हम कहते हैं, और साथ में कुछ जो चेहरे पे लाइंस होती हैं, एक होती हैं उनको रिंकल्स जो होते हैं, होते हैं डायनामिक रिंकल्स, एक होते हैं स्टैटिक रिंकल्स. डायनेमिक रिंकल्स जो होते हैं वो आपके रिपीटेड मस्कुलर एक्शन की वजह से, जैसे बहुत ज्यादा लोग हंसते हैं. कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में रहते हैं, जैसे फॉरहेड की लाइंस बनती हैं. तो मैं हंसती बहुत ज्यादा हूँ इसलिए. हाँ जी जी. तो मसल्स के रिपीटेड एक्शन की वजह से यू गेट सर्टेन लाइंस ऑन योर फेस. सो दीज आर डायनेमिक रिंकल्स. कुछ स्टैटिक रिंकल्स होते हैं जो कि एज के प्रोसेस के साथ, जब आपकी स्किन थिन होना शुरू होती है, इलास्टिसिटी कम होना शुरू होती है, कॉलेजिन की डिपोजिशन उसकी प्रोडक्शन कम होती है, तो कुछ स्टैटिक लाइंस आपकी बनना स्टार्ट हो जाती है. और उसके अंदर एक बड़ा फैक्टर आपका फेशियल वॉल्यूम का कम होना है. अच्छा. विद टाइम, जैसे अभी आपका कोई पेशेंट होता है या जो भी कोई इंसान होता है, इनिशियली उसका फेस बड़ा प्लम्प होता है, फुलर होता है, वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है. जैसे वो वॉल्यूम डिप्लीट होना शुरू होता है, तो नेज़ल लेबल फोल्ड्स स्टार्ट टू बिकम वेरी प्रोमिनेंट. चीक प्रोमिनेंस आपकी कम होना शुरू हो जाती है. यू गेट नंबर ऑफ लाइंस इन योर नेक, फोल्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो जो फिलर का जो काम है, उस खोए हुए वॉल्यूम को वापस लेकर आना है. कोई टाइम पीरियड होता है उतना ही वो काम करता है, उसके बाद फिर से दूसरी बार आपको? जी, तो फिलर का एक तो ये काम हो गया कि इट इज ब्रिंगिंग दैट वॉल्यूम बैक इनटू योर फेस एंड नेक. और जो बोटॉक्स जो होते हैं, वो जो रिपीटेड एक्शन, जो मस्कुलर एक्शन है, जिसकी वजह से आपके वो डायनेमिक रिंकल्स बन गए, बोटॉक्स का काम उन मसल्स के उस फंक्शन को रोक देना है, ताकि वो जो लाइंस जो है वो लाइंस बेहतर होना शुरू हो जाए. तो इन दोनों का जो टाइम फ्रेम है, वो बोटॉक्स वर्क्स फॉर अबाउट 6 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फिलर जो आप यूज कर रहे हैं. अच्छा. इट कैन वर्क फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हम एच ए फिलर इस्तेमाल करते हैं. अच्छा. तो इट इज गुड फॉर 6-9 मंथ्स. मतलब तो फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप बोटॉक्स और फिलर जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो कैटेगरी भी हमें पता होनी चाहिए. नॉट नेसेसरली, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका आप सही क्या करवाना चाहते हैं. अच्छा. कि आपका कंसर्न क्या है. बाकी जो आपका जो भी प्रैक्टिशनर होगा, जो भी डॉक्टर होगा, जो भी प्लास्टिक सर्जन होगा, ही विल कम अप विद द पर्टिकुलर सिंथेटिक सब्सटेंस जो आपके उस पर्टिकुलर कंसर्न को ठीक करने के लिए बना होगा, तो ही विल कम अप विद दैट. वो आपको जानने की जरूरत नहीं है नेसेसरी, इतनी कोई जरूरी नहीं है. बस आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू बी करेक्टेड, कि आपको करेक्शन किस चीज की करवानी है. अच्छा, मुझे बताएं, अब ये इतनी पिगमेंटेशन है, इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट है, थोड़ा सा वो बता दो, क्योंकि मुझे खुद भी है और मैं मेकअप से कवर करती हूँ, हुआ भी मेकअप से ही है. ठीक है, तो अब इसके लिए अगर मैं कोई ट्रीटमेंट लेना चाहूँ, तो वो आपके पास कौन सा ट्रीटमेंट? अच्छा, उसमें पिगमेंटेशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं. वन इज योर जेनेटिक्स. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जेनेटिकली प्रोन होते हैं टू गेट स्किन पिगमेंटेशन. द सेकेंड इज सन डैमेज. अगर आपका आउटडोर्स का काम है और आपका आउटडोर्स की ट्रैवलिंग है, ऐसा कुछ काम है, सो यू विल गेट अर्ली पिगमेंटेशन.
कुछ लोग होते हैं जो कि एजिंग उनके साथ थोड़ी रैपिड हो रही होती है. अच्छा. कुछ लोग होते हैं जो कि न्यूट्रिशनली इतना अपना ख्याल नहीं करते और उस उनकी कोई स्किन की केयर करने की क्योंकि रेजिमेन नहीं होती, उनका ध्यान इस तरफ नहीं होता. तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर और कुछ ऐसी डिजीज प्रोसेस भी होती हैं जिसके अंदर यू गेट अर्ली पिगमेंटेशन ऑन योर फेस एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. तो इट डिपेंडिंग अपॉन द एटियोलॉजी के व्हाट हैज ब्रॉट पिगमेंटेशन ऑन योर फेस यू कैन कम अप विद द ट्रीटमेंट सॉल्यूशन. तो हमारे पास मिनिमली इन्वेसिव से लेकर जिसके अंदर आपके टॉपिकल क्रीम्स होती हैं, सीरम्स होते हैं, माइक्रोडर्म एब्रेशन एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम जो सतही सरफेस जो होती है स्किन की जिसके अंदर पिगमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा होती है उसको हम निकाल देते हैं. अच्छा. देन जो नई स्किन आती है इट इज़ मोर यूथफुल एंड लेस पिगमेंट्री. इसी तरह केमिकल पीलिंग एक प्रोसीजर होता है, वी अप्लाई सर्टेन केमिकल्स ऑन द फेस तो जो पिगमेंटेड जो स्किन का जो आउटर लेयर होती है इट टेक्स अवे दैट. तो जो नई स्किन जो आपकी आती है क्योंकि बिकॉज इट इज न्यू स्किन उसका सन डैमेज इतना नहीं है, कुछ नहीं होता तो पिगमेंटेशन डज इम्प्रूव विद दैट. तो इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं उससे हम इनको आपकी जो और लेजर स्किन सर्फेसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दोस. इन सब का एक बेसिक जो फिनोमेना है जो तरीक़ेकार वो ये है कि जो भी आपकी पिगमेंटेशन हुई हुई है स्किन के ऊपर जो कि आउटर लेयर के ऊपर है वो उसको रिमूव कर देता है. ठीक है. तो जो नई स्किन जो आती है इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए न्यू स्किन. So it has visibly less pigmentation and it is more youthful in appearance. डॉक्टर साहब एक चीज़ तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि थोड़े से मर्द हसरात और ख़वातीन थोड़ा सा अलग हो जाता है. अब ख़वातीन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हारमोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, फिर अगर कोई मैरिड है तो उसकी मेडिसिन कुछ अब मैं नहीं खुल के बोल सकती हूँ, आप समझ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेनी पड़ जाती हैं तो उसकी वजह से भी स्किन पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है. Yes. तो अब जैसे आपने हम हमेशा सुनते हैं कि दो बच्चे खुशहाल घर आना तो उसके लिए खातून को बहुत सारी मेडिसिन्स और चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर उसका असर जो है वो फेस पे आता है. Yes. उस हवाले से अब आप क्या कहेंगे? Whenever your hormones are going to be disturbed for any reason, the effect is going to be on your body. On your skeletal framework, on your soft tissues, on your skin, जो भी आपकी हार्मोन जैसे ही इम्बैलेंस होंगे फॉर एनी रीजन व्हाट्सएवर, चाहे आपको कोई डिजीज है, चाहे आपको कोई ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है या आपने कोई मेडिकेशन ली है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द स्ट्रक्चर्स इन योर बॉडी. तो इसमें सबसे बेहतर तो यह है कि अगर आप कोई मेडिकेशन का यूज करना पड़ रहा है फॉर एनी रीजन व्हाट्सएवर एंड इफ इट इज इम्पॉर्टेंट, तो जो जो कि इस फील्ड के जो माहिर लोग हैं इन मेडिकेशन को जो यूज करने में जिनका खासा तजुर्बा है, आप उनसे मुलाकात करें ताकि वो मिनिमम रिक्वायर्ड डोज आपको दें जिससे आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है अदर देन योर एस्थेटिक्स वो भी कवर हो जाए और आपके जो एस्थेटिक कंसर्न्स हैं वो भी बरकरार रहें. सो मोस्ट अगर उनसे आप बच सकते हैं तो यू शुड अवॉइड देम, अगर नहीं बच सकते तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस क्योंकि कुछ अचीव करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्वायर्ड. अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिस पे बहुत ज़्यादा हुआ, हमारी एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन है जिनका बहुत नाम है और उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, बड़ी खूबसूरत उनकी स्किन है, उनकी एज लगती नहीं है कि वो उस एज की, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पॉजिटिव वे में जाके मैं बात कर रही हूँ कि उस एज में माशाल्लाह इतनी खूबसूरत स्किन, इतनी ग्लो करती है, इतनी फ्रेश, और उसके लिए कहा जाता है कि काफ़ी उन्होंने ट्रीटमेंट लिए हैं. क्या आया वाकई ऐसे ट्रीटमेंट हैं कि वैसी स्किन आपकी हो जाए, इतनी ग्लो, इतनी खूबसूरत, इतनी जवान स्किन? बिल्कुल. ये अगेन इफ यू वांट टू अचीव गुड रिजल्ट्स, आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दोस एक्टिविटीज. इन्वेस्टमेंट आपके टाइम की होनी चाहिए, टाइम की होनी चाहिए, आपका केयर की होनी चाहिए, आपके जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ गुजारे हुए वक्त की होनी चाहिए और जो ट्रीटमेंट वो आपको एडवाइस करते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होना चाहिए. तो इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स द साइंस ऑफ एजिंग एंड हाउ डेडिकेटेड यू आर इन फॉलोइंग दैट रेजिमेन, जितनी ज़्यादा डेडिकेशन है, जितने अच्छे आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और जितने अच्छे वो आपको प्रोसीजर्स एडवाइस करते हैं, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. तो इट इज़ पॉसिबल. ज़बरदस्त. मतलब फिर अगर आपने वैसा बनना है, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ उनके. अच्छी चीज़ को कहना चाहिए और अच्छा ट्रीटमेंट अगर है और आप अफोर्ड कर सकते हैं सारी चीज़ें तो ज़रूर करवाएं. अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपकी बात रोक रहा हूँ. देखिए
इट इज द नेचुरल डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू रिमेन एज यंग एज द वंस वर. तो इफ यू आर एबल टू अचीव दैट नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू यू शुड गो फॉर इट. ओके अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक लास्ट सवाल आपसे करूंगी कि कोलेजन के बारे में कहा जाता है कि वो एज के साथ वो कम होता रहता है और ये हो जाता है, वो ये तमाम कमर्शियल्स जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे हम ये देखते हैं और उसके बाद एक बॉटल आती है कि ये कोलेजन है ये आप लें, तो फिर ये क्या वाकई ठीक है, इस तरह से हम ले सकते हैं या हमें बेहतर रिजल्ट जो आप बताएं कि इस ट्रीटमेंट से आएंगे? उसमें ये बहुत सारी मेडिकेशंस जो कि मार्केट में प्रमोट होती हैं, इसमें से अक्सर मेडिकेशंस FDA अप्रूव्ड होती हैं. अच्छा, वो अप्रूवल एक्वायर करने के लिए इन सारी मेडिकल कंपनीज को या रिसर्च जो कंपनीज होती हैं उनको एक्सटेंसिव काम करना पड़ता है और अपने रिजल्ट्स शो करने पड़ते हैं. तो वो कोई भी मेडिकेशन जो कि FDA अप्रूव्ड है और जिस पर्पस के लिए अप्रूव्ड है वो मेडिकेशन उसके लिए काम करेगी. अगर कोई कंपनी क्लेम करती है कि दिस इज इस पर्टिकुलर मेडिकेशन का ये काम है और ये FDA अप्रूव्ड ड्रग है जो कि एक एक्सटेंसिव रिसर्च प्रोसेस के थ्रू गुजर कर आई है और उन्होंने अपने रिसर्च शो किए हैं, इट विल डेफिनेटली वर्क. और मार्केट में कुछ बहुत अच्छी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि काम करती हैं, बट अगेन एक सिंगल टॉपिकल क्रीम या सिंगल सिरम इज नॉट गोइंग टू रिवर्स एवरीथिंग विच इज on your face. ठीक. So it has to be a complete package. Okay. अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल जिसका आपने जरा जल्दी सा जवाब देना है क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, पर मैं कह रही हूँ ये सवाल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि PRP हर दूसरे इंसान से मैं जब भी बात होती PRP करवाने जा रही हूँ. क्यों बालों के लिए PRP? क्यों स्किन के लिए? अब PRP हमारे स्किन पे कैसे काम करती है, ये क्या ट्रीटमेंट होता है, अगर चंद अल्फाजों में आप हमें समझा सके. PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. हमारा ब्लड होता है उसका एक कॉम्पोनेंट होता है प्लाज्मा, उसके अंदर प्लेटलेट्स होती है. प्लेटलेट हैज दीज स्टेम सेल्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स. तो जब हम उन प्लेटलेट्स को हार्वेस्ट करके आपके ब्लड से आपके बालों में लगाते हैं, आपका ही होता है. यस, इट इज योर ओन ब्लड. आप अपना ब्लड है, आप ही की अपनी प्लेटलेट्स है. तो जब वो आपके चेहरे पे या स्किन पे या बालों पे हम कहीं लगाते हैं तो उन प्लेटलेट्स के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं दे प्रमोट हीलिंग एंड ग्रोथ ऑफ योर हेयर्स. ओके, तो इट वर्क्स लाइक दिस. जो स्टेम सेल्स होते हैं उनके अंदर क्वालिटी होती है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं बॉडी के उसकी ग्रोथ को, उन सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करें. ओके, सो इट इज अ वेरी गुड प्रोसीजर. वर्क करता है ये? इट डज वर्क, यस. ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो Health21 जो कि है ईसा लेबोरेटरी की जानिब से. यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा. अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.